जब उन्होंने माता कुंती को उन्होंने वर मांगे, बोले वर मांगो, कुंती ने क्या कहती, बोले प्रभु जन्म ऐश्वर्य सुनत श्री भी रे दमान मधुमान। कहते जो चार ही तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं कर पाएंगे। कौन है? बोले जिसको उच्चे कुल में जन्म हो गया, जिसको ज्यादा पैसा मिल गया, जिसको थोड़ा ज्यादा सुंदरता प्राप्त हो गई, जिसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया ना, बोले प्रभु ये तेरे भजन नहीं कर पाते। इसलिए नमो अकिंचन बिताय विपृत गुण वृत, तुम तो अकिंचनों का दीन जीविका ही तुम धन हो। इसलिए देखो हम सब लोग चाहते ज्यादा पैसा मिले, बढ़िया मकान दुकान हो, है बढ़िया राजा राज, पर नहीं चाहता होता, सब चाहते बड़े 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 बड़े। लेकिन ये भगवत भक्ति में ये हानिकारक है, भगवत भक्ति करने की चीज नहीं देती है। इसलिए कहते दिने रे अधिक दया, बोलो दिने रे अधिक दया करे न भगवान कुली पंडित धनी रे बड़ा अभिमान। अक्सर कहते भगवान जिन जिनों को कृपा की ना, वो एकदम साधारण जीवों को पर ठाकुर की कृपा की है, हैं? इसलिए भगवान राम की जितने सारे भक्त कौवे चंडाल जाति बंदर है, अपवित्र हनुमान जी हैं, और उनको गृध है जो सबसे निकृष्ट जाति जो मांस खाने वाले, भालू है, बंदर है, ये यही सब के सब भक्त है राम। कृष्ण के भी जितने भक्त सब तीन ही व्यक्ति भक्त है। इसलिए इन्होंने प्रार्थना की ठाकुर जी जैसे अगले जीवन में मेरे को ये राज रानी हमें नहीं चाहिए, जिस जीवन में रह करके भगवान की भक्ति नहीं कर सके और जो चीज भगवत भक्ति में बाधक है हम ऐसे जन्म नहीं चाहते। इसलिए ठाकुर जी फिर दूसरे जीवन में उनको भील घर में जन्म दिया, ये सबरी घर में जन्म हुआ। लेकिन सबरी घर में जन्म हुई हो करके करते थे कि क्या, लेकिन पूर्व जन्म में क्या इच्छा थी, मैं भक्तों की सेवा करूँ, साधु संग प्राप्त हूँ। इसलिए वो क्या करती थी, ये साधुओं की सेवा करती थी, साधुओं के लिए सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ करके ले आती थी, साधुओं के लिए फूलों की माला बनाती थी ठाकुर जी के लिए, ये सब सेवा करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते होते जब थोड़ी सी 18 साल की हो गई, अभी उसकी शादी की बात चली, अभी शादी की तय हो गई, एक दिन उसने देखा कुछ बकरियों को और भेड़ बकरियों को उनको पिताजी ला करके बांध करके रखे। बोले पिताजी ये भेड़ बकरी क्या होगा? बोले बेटी तेरी शादी होएगी ना, उसमें जो बारात आएगी उनका आप इसमें भोज खिलाएंगे, है उनको खिलाने के लिए मैं हमने इस चीज को लाए। उसने देखा हाय रे, वो तो संस्कारी है ही है। बोले हाय रे, कहाँ सुबह विवाह कहते ना, कहते ना सुबह विवाह जिसमें जिसमें मेरी मांग भरेगी, सिंदूर लगेगी, जब कैसे सिंदूर कैसे विवाह है, जिसको तरह बलि चढ़ करके जानवर को मार करके है ये मेरी सिंदूर और ये मांग भरेगी, मेरे लिए इतने पाप कर्म होगी। बोले ऐसे शादी की कोई जरूरत नहीं। उसने क्या की, घर छोड़ कर उसने जंगल में चली गई। लेकिन परिवार में तो ढूंढने के लिए उसको कोशिश की, लेकिन वो तो घोर जंगल में चली गई। लगा उसको से आप उसने अपने शरीर छोड़ दिया और उसने मर गई। लेकिन भावना किया है साधु संग हरि कथा और भगवत भजन। ऐसे करते करते उसने जो पंपा सरोवर नाम सुनेंगे, पंपा सरोवर उसको पास में ये मातंग ऋषि रहते थे, अपना भक्तों को साथ में वहां पर उनकी मातंग ऋषि के आश्रम थी। कभी जब मातंग ऋषि के आश्रम अद्भुत है, भगवान राम कभी जब मातंग ऋषि के आश्रम पर आए ना, उनने क्या देखा अद्भुत, जो एक एक का जो खादक है, जैसे हिरण को कौन खाता है, सिंह खाता है, सांप नेवला आपस आपस में मुंह में मुंह लगकर चुंबन कर रहे हैं, दोनों दोनों अंदर में प्रीति है, वहां पर हिंस्र भाव नहीं। बोले क्यों नहीं हिंस्र भाव, कारण है वहां पर मातंग ऋषि का जो भजन का जो प्रभाव था। हम लोग रामायण देखे होंगे, जिस समय राम वहां पर गए तब उन्होंने दिखाया, देखो ये हमारे गुरु जी के आश्रम, उन्होंने क्या देखा, मेरे गुरु जी यहीं पर बैठ करके भजन करते, उन्होंने क्या देखा, एक ज्योति, एक ज्योति को उन्होंने देखा, मतलब उनकी इतने भक्ति की प्रभाव थी, इतने भक्ति की प्रभाव। यहाँ शिक्षा देते हैं
अगर सचमुच से एक शुद्ध साधक जो शुद्ध रूप में साधन भजन करते हैं, अगर एक शुद्ध साधक कहीं होना कि तो उसको इतने प्रभाव कहते हैं ना, ब्रह्मांड तारी से शक्ति धरे जने जने, एक एक जो महापुरुष जो शुद्ध भक्त है वो एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं। जैसे हमारे भक्ति वेदांत सिंह नारायण गोस्वामी महाराज को जो मथुरा में रहते थे, हम लोग तो कोई थे जो थे उनको पता है, जब महाराज जी मथुरा में रहते थे उनकी भजन की प्रताप से पूरा वातावरण शांत। क्यों? गुरुदेव स्वयं सवेरे उठ करके जब तक 100,000 हरिनाम नहीं करते थे तब तक भजन नहीं करते थे। भले ही गुरुदेव जितने समय पर स्वयं हम देखता था एकदम 2:30 बजे गुरुदेव उठ जाते थे, 3:30 बजे उठ जाते थे, और 9 बजे से पहले 100,000 नाम को गुरुदेव पूरी करते थे। 100,000 नाम पूरी करके उसको बाद में भोजन करते थे। तो प्रेमानंद तुम थे, बोलते थे गुरुदेव अभी मार्केटिंग जाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा। महाराज कहते थे पहले भोजन उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले मेरे को अपना नाम पूरी करने के लिए दो। गुरुदेव कहते थे हमें पहले नाम पूरी होने का बाद फिर कुछ पैसा दूंगा मार्केटिंग करने के लिए, जब तक मैं 100,000 नाम पूरी नहीं कर देता तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा मार्केटिंग करने के लिए। हैं ऐसे गुरुदेव की साधन भजन, फिर सारा दिन और 100,000 नाम करते थे। इतना नहीं, सारा दिन ग्रंथों को लिखना है, हरिकथा दिन में 2-3 बार जैसे वहाँ पर हरिकथा होती थी, हरिकथा करना। जब महाराज वहाँ पर थे ना, एक शुद्ध साधु भजन परायण कहीं, अगर एक शुद्ध साधु भजन परायण कहीं हो जाए उसकी प्रभाव इतने प्रभाव है, वो पूरा का पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है उनकी साधन भजन की वातावरण से। इतने एक शुद्ध भक्ति के भजन का शक्ति है। इसलिए वो मातंग ऋषि की आश्रम के पास में गए, उन्होंने देखा यहाँ पर श्री मातंग ऋषि यहाँ पर रहते हैं, अभी उन्होंने उनको अपना मन मन में उन्होंने उनको गुरु मान लिया, ये मेरे गुरुपाद पद में। अब जो गुरुपाद पद में तो मान लिया, अभी वो सोच रही हैं मैं तो उनको गुरु मान लिया लेकिन तो उनको सेवा करना पड़ेगा ना, कर सेवा के बाबत मेगा नहीं मिलती, इसलिए गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। अभी सोच रही हैं, अभी जो शुद्ध भक्त होते हैं ना वो चाहते नहीं हमारे कोई सेवा करे, क्योंकि जिसकी सेवा को तुम स्वीकार करोगे उसका ऋणी बनना पड़ता है। जिससे सेवा लोगे वो पैसे थोड़ी कोई सेवा करता है, उसका अंदर भावना है ना हमारी कल्याण हो, आत्मा मंगल हो, ये भाव सोच करके सेवा करता है ना कोई, ऐसे थोड़ी कोई सेवा करता है। इसलिए अभी वो सोच रही है अभी गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी गुरु जी का सेवा किया है वो तो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, उनके तो सेवा की कोई जरूरत है ही नहीं, वो कोई सेवा की जरूरत नहीं। अब विशेष करके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसकी सेवा लेना ही नहीं चाहते, सहज में किसी की सेवा लेना नहीं चाहते। क्यों? कारण क्या? बोले कारण है जिसकी सेवा लोगे उसे देना पड़ेगा, कुछ उसको देना पड़ेगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो सहज में किसकी सेवा को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमने देखा श्री भक्ति वयोपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति वयोपुरी गोस्वामी महाराज जब एक बार उन्होंने यहीं पर जो आए हमारे जो मंदिर बना महाराज जी घर थे, वो कोई सेवक वेगो नहीं ला सकते, सहज हैं कोई सेवक वेगो नहीं ला सकते, महाराज जी अपना सेवा खुद करते थे और इसे डांट लगा देते ना, इसे गाली हैं, ऐसे गाली देते अगर थोड़ी थोड़ी कोई गड़बड़ी हो गई बाबा रे तो कच्चा गाली देते थे उनका शिष्यों को एकदम ऐसे उल्टा ही लगा। इसलिए शिष्य लोग उनसे बहुत डरते थे, इसलिए उनका ब्रह्मचारी का नाम था नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, उनका नाम था नृसिंह ब्रह्मचारी, सचमुच वो नृसिंह जैसे थे। थोड़ी सी अगर कोई गलती हो ना एकदम पूरा का पूरा सीधा पूरा डांट लगाया करते थे। अब देखता था वो कोई, देखो जब कोई वैष्णव हमें कोई शासन करता है, देखो शासन बहुत बढ़िया की चीज है, कभी कभी हम सोचते हैं कि वो लड्डू लड्डू मिठाई मिठाई का और हम नमकीन नहीं खाइए, क्या नीम पता नहीं खाए, अगर ज़्यादा
मीठा खा लेना फिर खराब हो जाता है, इसलिए बीच बीच में कभी नहीं पता भी लेनी चाहिए। इसलिए वैष्णव का जो शासन है ना, बड़े भाग्य से वैष्णव का शासन मिलता है। ये मत समझो हाँ वैष्णव लोग हमें शासन क्यों किया बोला क्यों, नहीं, वैष्णव लोग कहते थे शासन से ही ज्यादा हमारी मंगल है, ज्यादा हमारी प्रशंसा से ज्यादा हमारी मंगल नहीं, ज्यादा इसमें कल्याण है, शासन में से ज्यादा कल्याण है, प्रशंसा में कोई कल्याण नहीं है। वैष्णव लोग प्रशंसा से दूर हटा देते हैं। शासन कौन किसको शासन करता है, जिसको प्रति प्रेम हो, बिना प्रेम से कोई किसको शासन नहीं करता है। इसलिए जिसको प्रति प्रेम हो ना, पिताजी बाहर किसी बच्चों को शासन करता है, पिताजी किसको शासन करते हैं, अपना बच्चों को शासन करता है, बाहर किसी व्यक्ति को शासन नहीं करता है। इसलिए शासन एक बहुत बड़ी भक्ति जगत में, इसलिए श्री गोस्वामी श्री ये कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, निंदु कर नीर राखिए, जो निंदु को ना उसको पास में रखा करो। एक प्रभुपाद का कोई एक शिष्य थे, तब उनका गुरु भाई था, उन्होंने अपना गुरु भाई को आश्रम में स्थान दिया, अपने गुरु भाई को स्थान दिया, तो वो गुरु भाई है ना, इसलिए गुरु भाई होने के नाते जिन्होंने स्थान दिया उनका भी कुछ शिष्य लोग है, शिष्य लोग होने के नाते वो गुरु भाई लगते ना, गुरु भाई होने के नाते वो क्या करते थे, कभी उनको दोष देते थे, उनको शिष्यों को बोलते थे, देखो तुम्हारे गुरु जी ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, कहते ही उनके शिष्यों ने बिगड़ गए, गुरु जी को शिकायत दी, बोले गुरु जी आप इसको क्यों यहाँ पर रखे, ये आपकी बुराई करता है, ये आपकी बुराई करता है, देखो क्या कहते, बोले इसलिए मैंने रखा है, इसलिए मैंने रखा, बोले क्यों, बोले तुम लोग मेरे शिष्य हो, और शिष्यों के पास में गुरु जी को वो गौरव बुद्धि से देखते हैं, लेकिन वो मेरे गुरु भाई है, इसलिए गुरु भाई होने का नाते मेरा बराबर है, इसलिए वो मेरे को गौरव बुद्धि से नहीं अपना गुरु भाई रूप में देखता है, इसलिए मैंने जान बूझ कर उसको पास में रखा, अगर ये रहेगा ना मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे गुरु भाई, गुरु भाई होने का नाते गुरु भाई है ना, इसलिए वो मेरे को थोड़ी सी अगर मैं गलत करूँगा झट मेरे को टोकेंगे, ये मेरे को झट उसने टोकेंगे मेरे को, इसलिए मैंने जान बूझ कर रखा, इनकी डर से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, इनकी डर से मैं सही सही रास्ता पर रहूँगा, इसलिए मैंने जान बूझ कर को कैसे मैंने जान बूझ कर उसको मैंने आश्रम में रखा, समझ रहे हो। इसलिए जो शासन जो चीज है ना, ये भक्ति जगत में शासन से ही कल्याण होगा, हमारी प्रशंसा से कोई कल्याण होने वाले नहीं तो हम खुल जाएंगे ना, अरे गुरुदेव वैष्णव लोग मेरे को इतना बड़ा कहते हैं, है एक बैग खुला था ना, बैग था बैठक, तो मैडम को एक दिन बोला रही तुम बहुत बड़ा वो खुलता है ना, देखा मैडम खुलता है, अरे तुम तो बहुत बड़ा करते हो, बस इतना बड़ा, अरे तुम तो और बड़ा, वो करते करते ज्यादा करते तो फट गया तो फट गया। इसलिए वैष्णव का जो शासन है इसी में ही हमारी कल्याण, उनका प्रशंसा से हमारा कोई कल्याण नहीं। वैष्णव अगर मैं कोई शासन करे ना समझनी चाहिए मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, प्रशंसा करे तो समझना ये ठग रहे हैं, ये हम ठग रहे हैं, इसलिए प्रशंसा नहीं वैष्णव से शासन। इसलिए जो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज उनका शिष्य को इतने शासन करते हम देखा है, इसलिए कहते जो वैष्णव है, इसलिए अभी अभी वो सोच रही है सबरी, क्या सोच रही है, कुछ गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा के बगैर जीव का कल्याण नहीं है, सेवा के बगैर जीव का कोई कल्याण नहीं। हम कभी तो कहते ना प्रभु जी हम क्या सेवा करें, गुरु जी हमें क्या सेवा करें, गुरु जी को सेवा मांगने का जरूरत नहीं, जो सही सेवक है ना वो सेवा ढूंढ लेता है, वो सेवा ढूंढ लेता है, सेवा बोलने का जरूरत नहीं, उनको ढूंढ लेनी चाहिए आश्रम में है, कौन सा सेवा पड़ा हुआ, जो सेवा को कोई नहीं कर रहे हैं, जो पायखाना को कोई साफ नहीं कर रहे, बाथरूम में कोई साफ नहीं कर रहे, किसी जगह पर मंदिर में कोई गंदा चीजें पड़ा हुआ है, गंदा चीजें पड़े हुए नहीं, इसको हम अच्छे तरह साफ करें। बोलने पर जो कहता है ना, तो तीन तरह का सेवक गुरुदेव बोलते थे, मध्यम उत्तम कनिष्ठ, कहते कनिष्ठ भक्त कौन है, बोले कनिष्ठ भक्त वो है जो बोलने पर जो करता है, कहते मध्यम भक्त कौन है, बोले बिना बोले जो कर लेता है, हैं उत्तम भक्त कौन है, कहते भावना को बोलने से पहले जो भावना समझ कर लेता है। इसलिए गुरु जी के आश्रम है, गुरु जी के आश्रम में जैसे कोई चीज पड़ा हुआ, देखो चीज को अच्छे तरह समझो,
हम लोग मंदिर में रह रहे थे, ठाकुर का खा रहे, एक व्यक्ति 8-10 घंटा परिश्रम करने पर क्या करके कहीं वो भजन को जुगाड़ करता है, करता है कि नहीं? 8-10 घंटा तब भी आप देखना जो रिक्शा चलाता है दिन भर चलाते चलाते शायद रात को शायद उसको रोटी मिलता कि नहीं, परिवार खिला कर। हम गुरु जी के आश्रम पर आए, गुरु जी के आश्रम पर रह रहे, ये गुरु जी के आश्रम है, यहाँ पर कोई चीज़ नष्ट नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ पड़ा हुआ खराब हो रहा है लेकिन देख करके भी हमारे उसमें कोई ममता बुद्धि नहीं और उसको भजन नहीं करते। छत में कोई चीज पढ़कर सड़ रहा है हम देख रहे हैं, वो चीज पढ़ पढ़कर सड़ रहे हैं लेकिन उसको हम साफ नहीं कर रहे, देखते हुए भी नज़र को घुमा देते हैं, नहीं ये नहीं होती। इसका मतलब है तुम्हारी कोई एक गृहस्थ व्यक्ति को देखना एक सुई धागा भी वो जतन करके कहीं रखता है, देखा कि नहीं? गृहस्थ व्यक्ति एक सुई धागा को भी वो नष्ट होने नहीं देता है। कहीं कोई चीज किस गृहस्थ घर देखना कोई चीज पे धूल पड़ा हुआ होगा, देखो एकदम साफ सुथरा, एकदम वो साफ सुथरा वो चीज वो करते हैं, ममता बुद्धि होनी चाहिए। और भजन भजन का जो भावना भजन का जो उन्नति है ना ममता, ममता नहीं तो तुम्हारी भजन नहीं। केवल मठ में ऐसे नहीं प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाते हैं यहाँ मठ में, अगर रहने के लिए थोड़ी बहुत कुछ कर देनी चाहिए कर लेते हैं, नहीं उसको उसको सेवा नहीं कहते। इसलिए क्या करनी चाहिए, सेवा को हमें ढूंढ लेनी चाहिए, सेवा स्वयं ढूंढ लेनी चाहिए। देखो उनने क्या सेवा को ढूंढ करके लिए, उसने देखा गुरु जी रोज यहाँ से जाते हैं पंपा सरोवर, अभी वैष्णव लोग जाते हैं गुरु जी जाते हैं, अभी क्या करें, और रात रात क्या करती हैं उठ करके पूरा आश्रम से लेकर पंपा सरोवर एकदम झाड़ू लगा देते। फिर देखा गुरु जी के आश्रम का चारों तरफ में पेड़ पौधा होता है, उसमें पड़ा रहता है पत्ता, एकदम रात में जब सब सो जाते हैं वो एकदम पूरा पूरा साफ कर देती हैं, और दिन भर जंगल से सूखे सूखे लकड़ियों को बीन करके उसको इकट्ठे करके गुरु जी की सेवा में लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगी प्रसाद भोग लगेगी, वो लाकर कहाँ रख लेती है, गुरु जी को आश्रम का सामने में उसको रख लेती है। अभी गुरु जी ने देखा ये क्या है, मंदिर में ब्रह्मचारी को बोलो तभी आश्रम को चारों तरफ में झाड़ू देख लगा देते हैं, कि ब्रह्मचारियों को पीछे पड़ना पड़ता था, ऐ ये गंदा पड़ा हुआ उसको उठाने क्यों रहे हैं, ये पड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, बोलने पर भी नहीं करते थे। लेकिन हम देखता हूँ सवेरे उठो तो पूरा आश्रम का चारों तरफ एकदम साफ सुथरा रहता है, और यहाँ से लेकर पंपा सरोवर तक वो झाड़ू लगाता हुआ दिखता है। फिर दिखता है सवेरे उठो तो सूखी सूखी लकड़ियों को देखता हूँ, घर को सामने ये सूखी सूखी लकड़ी भी कटली पड़ा रहता है, ये चीज को कौन करता है, ये सब चीज को गुरुदेव गुरुदेव है ना वो सब जानते हैं, गुरुदेव ने नजर लगाई करता है करने के, रात को उन्होंने देखा ये कौन कर रहे हैं, देखा एक माता जी जब सबके सब सो जाते हैं ये सब काम करती है, हैं सो जाते हैं कभी कभी होता है ना हम कभी कभी दिखा दिखा कर करते हैं, दिखा दिखा कर करते ना अगर देखेंगे तो बैठना बोलो बोले पावा रे जो बड़ा सेवा करता है, हाँ ये बड़ा सेवक है कि दिखा दिखा कर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते जो सेवा है ना दिखा दिखा कर करने का जरूरत नहीं, उसको छुपा करके करनी चाहिए। इसलिए साधु अपने आप को छपवाते नहीं अपने आप को छुपाते हैं, वो छपवाते नहीं क्या करते अपने आप को छुपाते हैं वैष्णव लोग हैं, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चारों तरफ में कांटाओं को बिछा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, लोग सोचे ये मछली वाले खाने वाले बाबा है, इसलिए उनके पास मत जाओ। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज पायखाना के अंदर में बैठ बैठ करके जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे हरिनाम करते थे। इसलिए सबरी क्या करती हैं और छुपा छुपा कर गुरु जी की सेवा करती हैं। गुरु जी ने उसको बुलाए बेटी तू ऐसे क्यों कर रहे हो, बोले गुरु जी आपको मैंने अपना मन मन में अपना गुरु जी मान लिया, इसलिए मैं तो आपकी कोई सेवा कर ही नहीं सकती, सबरी जाति के फिर आपका आश्रम में बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं,
मैं तो आपकी कोई सेवा कर ही नहीं सकती, कथा सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि शरीर से जितने दूर तक गुरु जी की सेवा हो जाए, इसलिए मैंने ये काम को मैं कर लेती है, ये काम को मैं कर लेती। लेकिन गुरु तो गुरु है, गुरु सब कुछ समझते हैं, तो उन्होंने उनकी भावना को समझ कर उन्होंने कौन सा सेवा की, बोले झाड़ू लगाने का सेवा लिया है। कौन सा सेवा लिया है? झाड़ू पहले झाड़ू लगाने का सेवा कोई साधारण नहीं। अब झाड़ू लगाओ ना, अपने आप सर झुक जाता है, झुक जाता है, इसलिए जब झाड़ू लगाने का जो सेवा है ना, झाड़ लगाने से क्या होता है, ये सर अपने आप झुक जाती है, झाड़ू लगा। श्यामानंद प्रभु ने राधा रानी का कृपा कैसे प्राप्त की, केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाते, यही करती है ना। ये स्थान कौन सा स्थान है, गुरुदेव ये स्थान को क्यों ग्रहण किया है? देखो जो हमारा मंदिर है ना, देखो मेन रोड वहां पर, वहां संदर्भ और वो रोड को देखो, वहां पर उधर है, ये एकदम अंदर के अंदर में आश्रम है। इसलिए गुरुदेव कहते थे मैंने ये इतने अंदर में आश्रम क्यों लिया, कारण है क्या? बोले कारण है ये जो हमारा जो मंदिर है ना, विशेष स्थान पर है। फिर यहाँ दान गली, मान गली, कुंज गली और यमुना गली, चार गली यहाँ पर है। कहाँ पर गली देखो ना, एक गली प्रेम गली कहीं एक गली दिखेगा, फौजदारी गली एक कहीं दिखेगा, है एक गली। लेकिन हमारी जो मठ है ना, गुरुदेव कहते थे चार चार गली, इसको लोग ढूंढते ढूंढते आते भैया एक साथ में चार गली कहाँ पर है? इसलिए हमारी गली में ना, वहां पर देखो चार गली है ना, इधर जमुना गली, इधर कुंज गली, उधर मान गली और इधर दान गली। और ये जो स्थान है, गुरुदेव कहते थे कि ये हृदय है वृंदावन की, सेवा कुंज है जहाँ पर ऊपर गुरुदेव फोटो बनाए ना, ऊपर भी जो सेवा कुंज बनाए, इसलिए जहाँ पर स्वयं परम ब्रह्म परात पर तत्व स्वयं श्याम सुंदर राधा जी के प्रेम में जहाँ वसीभूत होकर के जहाँ पर ईश्वर जी को उनके चरण की सेवा की है, ये हृदय है। जैसे श्यामानंद प्रभु यहीं पर ही, उस समय तो जंगल बड़ा था, है पूरा पूरा जंगल ही जंगल था, यहीं पर उन्होंने झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी के चरण के अनुकूल उनको यहीं पर मिला। इसलिए यहाँ पर जो झाड़ू लगाते हैं ना, किसका सेवा हो रहा है बोलो? कुंज सेवा हो रही है, राधा रानी की कुंज सेवा कर रहे हैं, उसमें सब कुछ झाड़ू लगाते लगते जाओ, झाड़ू लगाने से सर नीचा हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, उसी समय में राजा प्रताप रुद्र को बोले थे दर्शन नहीं दूंगा, ये विषयी है, ये विषयी, इसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, इनको दर्शन करने से हृदय में भोग वासना आएगी, दर्शन नहीं दूंगा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन दर्शन क्यों दिया? क्यों दिया? जब देखा रथ यात्रा में, जब महाप्रभु गए, देखा स्वयं राजा प्रताप रुद्र कहां राजा होकर के साधारण एक वस्त्र पहन करके रथ को सामने झाड़ू लगा रहा है, वो झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उत्तम हैया करे अधव सेवन, अतएव तुम्ही हो जगन्नाथ रे कृपा भाजन। कहां तुम उत्तम होकर के कौन सा सेवा कर रहे हो? बोले झाड़ू लगाने का सेवा कर रहे हो। झाड़ू लगाने का सेवा कौन करता है? जमादार नहीं करती है ना, छोटा सेवा करती है, जमादार नहीं करती है, राजा साहब करती है। कहां इतने राजा होकर के और सेवा कर रहे? इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? दर्शन दिया है उनको, दर्शन दिए उनको, पर उन्होंने कृपा की, उन्होंने कितना कृपा की उनको पर में। रथ यात्रा का समय में महाप्रभु कैसे सात दल में, एक साथ में महाप्रभु सात दल में, महाप्रभु अलग अलग रूप में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, अलग अलग जगह पर नृत्य कर रहे थे। ये चीज को कोई नहीं देख रहे थे, कौन देख रहे थे? प्रताप रुद्र महाराज देख रहे थे। उन्होंने इशारा किया, देखो देखो महाप्रभु यहाँ पर भी है, महाप्रभु इसी दल में भी है, महाप्रभु इसी दल में भी है, महाप्रभु इसी दल में भी है। ये काशी मिश्र कह रहे कर भैया मेरे को तो दिख नहीं रहा, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, लेकिन किसको दिख रहा है? राजा को। तुम्हारी ऊपर में ऊपर तो महाराज तुमको दर्शन नहीं दिया, लेकिन हृदय से ना तुमको महाप्रभु ने हृदय से तुमको कृपा कर रहे, तभी तुमको दर्शन कर रहे। कैसे कृपा की? वहां पर रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा में जहाँ पर जगन्नाथ भगवान बाटी का, जब वहीं पर जगन्नाथ जी का रथ रुकता है, वहीं पर जगन्नाथ को भोग लगता है और वहीं पर महाप्रभु एकदम राधा रानी की भाव से, हाँ कैसे सही तो परान नाथ पाए नो जहाँ लागे मदन धन में जुड़ी गलो,
वही तुम श्याम सुंदर वही मैं राधा रानी हूँ। बड़े दिनों में आपसे हमने कुरुक्षेत्र में मिलन हुई। इसी भाव से महाप्रभु रथ को खींचते हुए ले जा रहे थे, लेकिन जो महाप्रभु उसी भाव से जब जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में उसी भाव से महाप्रभु स्वयं किए हुए उसे सब भक्तों ने बुलाया प्रताप रुद्र महाराज को, बोले जल्दी जल्दी आओ राज वेश को परित्याग करो और एक साधारण वेश को पहन कर क्या करो महाप्रभु चरण की सेवा करो। और कौन सा गीत गाओ, बोले जय श्री जन्मना मतलब इतने सेवानिष्ठा
जो हमारे जो चावल होता है ना उसमें जो एक धान रहता है, बैठ बैठ कर कितनी उम्र 80 साल से ऊपर हो गया था, 80 साल से ऊपर हो गया, एक आपको कोई चश्मा की जरूरत थी इतने हैं, एक दांत भी नहीं होता था हैं, और छोला छोला भी खाते थे जब तक था एक धान को पीनेंगे, सब्जी अपनी करेंगे, साफ सुथरा करेंगे हैं, इतने सेवा करते थे। मैंने एक्सपायर प्रसाद का सवेरे नाश्ता किया, उनकी कितना भावना है, नाश्ता के समय हो गया, बोले कैलाश प्रभु, उनका नाम था कैलाश, बोले कैलाश प्रभु अब नाश्ता भोजन कर लो, बोले अभी तक मैंने स्वामी का कोई सेवा नहीं करना है, और उनकी जो भावना थी ना, मैंने कुछ स्वामी का मैंने कुछ सेवा नहीं कर पाया, यदि घर में रह रहा हूँ जब तक उनकी कुछ सेवा नहीं कर दूँ उसका मैं कैसे खा सकता हूँ। मैंने कहा देखो भैया अनपढ़ कमार आदमी, अनपढ़ कमार आदमी, लेकिन जो सिद्धांत की जो बात करता ना, बड़े बड़े पढ़ करके भी दिमाग में भी सब सिद्धांत नहीं आएगा। मैंने देखा हृदय में अगर भगवत भक्ति अगर हृदय में प्रकाश हो जाए, कैसे हृदय में ये सारे शास्त्र ये सिद्धांत तत्व ज्ञान अपनी आप उसका हृदय में अपनी आप पूर्ण होता है, ये चीज को देखा अनपढ़ आदमी एकदम। और क्या करते थे पूरा मंत्र के सब, जो ठाकुर जो आरती है ना आरती के बाद किसी को नहीं देंगे, तुम लड़ पड़े और बजा देंगे तो हैं, आरती लेते लड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ क्या करते थे जैसे ठाकुर का आरती होगा ना किसी को ले खुद लेंगे, ले करके श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को देख करके फिर ये आरती उन्हें सबको फिर आरती देंगे हैं। और जो बहुत उम्र हो गया उनको बड़ी बड़ी कष्ट से बड़ी कष्ट से सेवा कर रहे थे, रहते थे ये गंभीरा में, ये गंभीरा ना छोटा से छोटा उसको ही रहते थे अब उनको ये गुठन में बड़े दर्द है, लेकिन मैं देखा लेकिन कभी मंगलारती मिस नहीं करते, कभी मध्यान्ह आरती कभी मिस नहीं करते थे, कभी नहीं। मैं देखता था कभी, मैं इस घर में रहता था जैसे मध्यान्ह का समय हो गया, बोले कैलाश अपने आप को बोलते थे, कोई बात को मन मन में नहीं, जो होता तो बोल देता था अपने मन में, बोले कैलाश मध्यान्ह शुरू होने जा रहे हैं तो सोते रहोगे, उठ क्यों सो रहे, उठो उठ, तो घुटने में दर्द है ना, बोले उठ मध्यान्ह आरती का समय, उठ उठ उठ, उसको खुद बोलते जो उठ तू उठ चल चल, फिर आ जाते और लगड़ा थे लुढ़ाते लगड़ा लुढ़ाते लुढ़ाते आ जाते यहाँ पर आकर के आरती दर्शन करके प्रसाद पा कर जाते थे हैं, जाकर फिर जाकर वो विश्राम करते थे। इतने सेवा निष्ठा भगवान और कैसे अप्रकट हुई है, क्यों सर परमेश्वर तो यही पर भाव होंगे ना, कार्तिक महीना में, कार्तिक महीना में शायद एकादशी ना कौन सा दिन था, दोपहर में आए प्रसाद पाए ठाकुर जी की आरती उतारे दर्शन किए जाकर के घर में सो गए, सो करके हमारे जो बाबा जी महाराज रहते थे हर कोई चीज उनकी जरूरत होती थी हैं, जरूरत होती थी तो बाबा जी महाराज ला देते थे, उन्होंने देखा बाबा जी महाराज देखा अभी तो बस सोए अभी तो उठे नहीं, प्रसाद दोपहर में पा कर गए ले गए, तब देखा अभी तक उठे नहीं कैलाश प्रभु, तब उनको घर में गए बोले कैलाश प्रभु उठो कैलाश प्रभु, आवाज नहीं दे रहे थे, जब उन्हें शरीर को हिलाया ना एक शरीर को पूरा शरीर हिल गया, तो ये क्या है, तब खोल कर देखा अप्रकट हो गया। कार्तिक के महीना में एकादशी का दिन प्रसाद पा करके कहता अनायसन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। देखो ये जीवन सुख में कैसे बीतेगा, कहता अन्ना आसेन मरणम बिना दैन्यन जीवन बिना दुख कष्ट पाते हुए ये जीवन और अनायास में मृत्यु कब होगा, बोले अनाराधित तो गोविंद चरणम कथम स्यात्। बोले जब तक तो कोई निष्कपट रूप में भगवान की भक्ति नहीं करेगा ना उसको अनायास में मरण नहीं हो सकता, उसका जीवन भी आसानी से नहीं बीतेगा, उसी व्यक्ति का जीवन आसानी से बीतेगा जो निष्कपट होकर के शुद्ध रूप में जो भगवान की भक्ति करेगा, नहीं तो जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए इनके अंदर में ऐसी भावना थी, इसलिए श्री मातंग ऋषि गुरुदेव है वो सब चीज वो समझते हैं। गुरुदेव बेटी को बोला बोले बेटी तुम क्या कर रहे हो, बोले गुरु जी आपको सेवा करनी चाहिए ना, आपको मैंने तो गुरु जी मान लिया, गुरु जी को तो सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैं इस शरीर से जितना हो पड़ेगा मैं उतना सेवा करता हूँ। जब इस कथा द्वारा सीखा है ऐसे नहीं आश्रम में कोई सेवा नहीं करे खाए पिए पड़ रहे, ये चीज हजम होना भी बड़ा कठिन है क्योंकि सबके सब भिक्षा व्रत सब वस्तु है,
हैं सबके सब यहाँ पर ऐसे कोई नहीं देते हैं, सब भिक्षा करता आता है। तो 10 रुपया भी देता है ना, सुधरी बोल रहे हैं तो 10 रुपया देता है, वो भी ऐसे घुमा घुमा करके देता है, घर का दुख करके चली जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा का नौकरी चल लग जाए, हमारे घर में ये समस्या, ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके देता है। इसलिए इस सब चीज़ को हम हजम कैसे कर पाएंगे, बोले बगैर भजन किए हुए ऐसे हजम नहीं होगा। इसलिए भजन करनी चाहिए निष्कपट रूप में और हरिनाम करनी चाहिए निष्कपट रूप, तभी ये चीज को हम हजम कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज हजम नहीं हो सकती है, है? इसलिए यहाँ पर उन्होंने जब ये बात को बोली, बोले गुरु जी सेवा गुरुदेव तत्वदर्श गुरुदेव साधन माता से, इसलिए वो जानते हैं भक्ति का लक्षण क्या कहते हैं ना, तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानं तत्वदर्शनं। इसलिए उन्होंने देखा कि सच्चा शिष्य का लक्षण इस अंदर में है, एक सच्चा शिष्य का लक्षण इस अंदर में प्रणिपात है, संपूर्ण रूप में शरणागत होकर के उनकी चरण में शरणागत होना, परिप्रश्न और उन्होंने सेवा वृत्ति जब उनकी देखी, बोले भैया सचमुच से कथा सुनने का ही अधिकार है। यद्यपि देखने में क्या स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर है, बोले अगर अधिकारी है ना, यही सचमुच से यही कथा सुनने की भजन करने के अधिकार ये है। बोले देख विकत ना, कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादी विचार, जय भजन सही बड़ा अभक्त हे विचार, कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादी विचार, कृष्ण भजन में जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का भजा, भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है कोई बड़ा है, हैं वो श्रेष्ठ है, और भजन जो नहीं करता है तद विप्राद दुई षड़ गुण और जो तो हैं तद भले ही तुम्हारी बार गुण युक्त क्यों नहीं हो, भगवान से अगर विमुख है उससे चंडाल श्रेष्ठ है, क्यों, वो तो खुद को उद्धार करता है और अपना 21 पीढ़ी को उद्धार कर देता है, लेकिन जो अभिमानी ब्राह्मण दूसरों को क्या उद्धार करेगा, अपना कल्याण भी नहीं सोच सकता, अपना कल्याण भी नहीं कर सकता। गुरु जी ये चीज को देख बोले देख बेटी एक काम करियो, तुम आश्रम का अंदर में आकर के पीछे बैठ कर कथा सुनो। बोले गुरुदेव हम तो सबर जाति के, यहाँ पर तो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं, मैं आश्रम में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनो। अभी उसने आश्रम में आई, जब उन्हें आश्रम में घुसी है ना, वहां पर जितने बड़े बड़े ब्राह्मण थे ये सब के सब चिल्ला रहे, सबरी तेरे को किसने किसने ये साहस दिया आश्रम में घुसने का, यहाँ पर बड़े बड़े सब सब ब्राह्मण रहते हैं, तुम आश्रम में आकर के आश्रम को अपवित्र तुमने कर डाली, निकल जाओ यहाँ से, तेरे को आदेश किसने दिया, बोले गोमूत्र गोबर से ये आश्रम अपवित्र हो गया, इसको छिड़काव करवाओ, इसको छिड़काव करवाओ। इतने में गुरुदेव ने कहा मैंने आदेश दिया, बोले गुरुदेव लगते हैं आपका बुद्धि भी खराब हो गई है, ये कहाँ छोटे जाती, ये कहाँ छोटे जाती, और ये आश्रम में प्रवेश करेगी, हैं आश्रम में प्रवेश करेगी, ये अगर ये आश्रम में प्रवेश करेगी ना कथा सुनेगी, हम एक भी नहीं रहेंगे। गुरु जी बोले भले ही तुम सबके सब चले जाओगे, लेकिन अकेले में इसको, अकेले में इसको कथा सुनाऊंगा, है क्योंकि भगवान भजन में गुरु जी तत्वदर्शी है, इतने ब्राह्मण थे ना वहां सबके सब चले गए, जा करके कुछ दूरी पर उन्होंने अपना आश्रम बना करके रहे, और यही पर श्री मातंग ऋषि ने उन्होंने सबरी को भक्ति की शिक्षा प्रदान की, भजन की शिक्षा प्रदान की, शिक्षा प्रदान करके उन्होंने गुरु जी की सेवा की। और गुरुदेव जाते समय बोले देख बेटी तो इसी आश्रम पर रहना, एक दिन स्वयं परात पर परम परम भगवान स्वयं राम अकेले नहीं, अपना छोटे भाई को साथ में यहीं पर गुरुदेव ठाकुर जी आएंगे, अब सबसे पहले तेरे आश्रम पर रहेंगे। गुरुदेव बोल करके गुरुदेव अपना नित्य धाम में चले गए। गुरुदेव अभी गुरु मुख चित्ते ते परिया ऐक आर ना करिया बनिया, जब गुरुदेव भी ये बात बोल कर गए उसके हृदय में दृढ़ विश्वास है, हां दृढ़ विश्वास है, जब गुरु जी बोल कर गए सचमुच से एक दिन ठाकुर जी यहाँ आएंगे ही। अभी रोज रोज क्या करती थी अपना आश्रम में, गुरुदेव बोल कर गए सुंदर सुंदर फूल फला करके उन्होंने अपना रोज उन्होंने पूरा रोड को बिछाया करती थी, सुंदर सुंदर बेल को चुन चुन करके उसे चक चक करके लाती थी रखती थी कि गुरुदेव जब बोले एक दिन ठाकुर जी जरूर आएंगे ही।
लेकिन गुरुदेव कब बोल कर गए थे पता नहीं, कितने हजार साल हो गए गुरुदेव बोल कर गए थे। लेकिन जब ठाकुर जी आए ना, रोज ऐसे राह देकर बैठते, जरूर गुरुदेव, गुरुदेव जब बोले ठाकुर जी जरूर आएंगे, क्योंकि गुरु जी का बात कभी झूठा नहीं हो सकती है। एकदम पलक बिछा कर रहती थी, जरूर आज ही आएंगे, आज ही आएंगे, आज ही आएंगे। लेकिन ठाकुर जी वो आए ना, एकदम वृद्धा हो चुकी, एकदम वृद्धा, कितने हजार साल तक उसने सेवा की, गुरु जी का मंत्र उन्होंने क्या की, जप की। लेकिन हम लोग कभी कभी कहते ना, बोले गुरुदेव माला जप करते करते अब तक काली हो गई, अब तक कुछ हो ही नहीं रहा। बोले गुरु जी और कोई मंत्र है आपके पास जी? ये मंत्र भी काम नहीं कर रहा है गुरु जी, और कोई मंत्र है आपके पास में है? ये मंत्र में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए गुरुदेव एक दिन किसी ने पूछा गुरुदेव को, बोले गुरुदेव इतना साल हो गया कुछ हो गया। गुरुदेव ने कहा कितना साल हो गया? बोले मेरा 20 साल हो गया। बोले मेरे 50 साल हो गया, मेरा नहीं बचा। गुरुदेव दिन था मुझे बोल दे। फिर गुरुदेव ने एक कथा सुनाई, बोले तो 20 साल आकर कहते हो। फिर गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे। बोले एक समय कृष्णा अर्जुन के साथ में जा रहे थे, जाते जाते हठात कृष्ण को प्यास लगा। बोले अर्जुन यहाँ कहीं पानी की व्यवस्था हो सकती है? देखो तो जब उन्होंने गए तब उन्होंने देखा कालिदी नदी वहां पर बह रही, जम पास में यमुना है। देखा बड़ी सुंदरी एक लड़की, बड़े तेजस्वी पूर्ण एक लड़की बैठकर भजन कर रही। अर्जुन ने देखा अकेली लड़की इतने सुंदर यहाँ पर जंगल में क्या कर रही है? तब उन्होंने पूछा आप कौन हो? बोले मेरा नाम कालिदी है। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। बोले कितना दिन हो गए? बोले पता नहीं कितने ब्रह्मा चले गए, कितना कल्प बीत गया। गुरुदेव कथा सुनाते थे, अभी तक भी कृष्ण दर्शन नहीं हुए। जब उन्होंने ये चीज को देखा फिर उसने आकर कृष्ण को बोला, बोले ठाकुर जी आपको कोई प्रतीक्षा कर रही, आपको साथ में शादी करने के लिए आप कृपा करके। फिर कालिंदी को गुरुदेव कहते थे इतना दिन कालिंदी बैठ करके इतना दिन से तपस्या कर रही थी, अब 10-20 साल हो गया तुम कह रहे हो मेरा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम तो सुना गुरु भरगोप से एक जीवन में अगर किसी तरह से अनर्थ अगर किसी तरह से निवृत्त हो जाए, कहते केवल अनर्थ निवृत्ति करने के लिए ही कितने जन्म लगती है। आप तो सब सुने अनर्थ कितने तरह का, 4 पर 4 16 तरह का है। अकेले अनर्थ को निवृत्ति होने के लिए कितने जन्म लगती है? फिर कहा रुचि, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति। किसने प्रभुपाद को बोला? बोले प्रभुपाद अमुक ब्रह्मचारी ने चला गया। प्रभुपाद कहते हैं जो गया तो गया, जो अभी तक है मैं सोच रहा हूँ अभी तक बद्रीलोक कैसे टिक रहा है। समझ रहे हो? जो साधना भजन कर रहे हो, जो साधना भजन कर रहे हो तो पता होगा एक जीवन। मैंने तो जब से मंदिर में तो देख रहा हूँ, मुझे लगता है जितने ब्रह्मचारी आते हैं ना 90% जाते हैं, और जो 1% रहते हैं वो भी बड़े कष्ट से मुश्किल से जीवन बिता रहे। इनकी मन में कब माया कब आकर झपटे और चले जाते हैं कभी कभी। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव का वाणी है एक जीवन किसी तरह से मंदिर में मिलजुल करके सेवा करते हुए किसी तरह से एक जीवन बिताओ। हम जो सुनते ना रुचि निष्ठा आसक्ति प्रेम को छोड़ दो, ये सब छोड़ छाड़ करके एक जीवन किसी तरह से, कहते गौड़ी मटका गाल और जल जल दाल, जल जल दाल और गौड़ी मटका गाल, इसको सुनकर के गाली जब तक नहीं सुनेंगे ना है, बल गौड़ी मटका गाली और जल जल डाली दाल से खा करके एक जीवन। मेरे गुरु जी का ही, मेरे गुरुदेव स्वयं कहते थे, हमारे गुरु जी का लेक्चर है, कहते मैं साक्षात नयनमणि मंदिर का मैं शिष्य हूँ, प्रभुपाद का आश्रय हूँ, मैंने स्वयं अपना जीवन में देख लिया एक जीवन बिताने के लिए हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा, हमने स्वयं यह चीज को देखा। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक जीवन किसी तरह से आश्रम में बिताओ, आश्रम से बाहर। कोई भी कहते ना नहीं बाहर जाकर हम भजन करेंगे हैं, बाहर जाकर जितना आसानी सोच रहे हैं ना, जाकर के देख लो बाहर कहाँ भजन करोगे। यहाँ पर कितने समय उठते हो? 4 बजे उठते हो हैं, बंगला 4:30 बजे होती है, उसके बाद में तो 4 बजे से लेकर के जैसे करके प्रसाद प्राप्त 8:30-9 बजे प्रसाद प्राप्त हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 घंटा यहाँ जो साधन है, 4 बजे से उठ करके
ठाकुर का आरती जाएंगे, तिलक करेंगे, तिलक करेंगे, ठाकुर जी का आरती करेंगे हैं, उसको बाद में बैठ करके गुरु मंत्र जप करते हैं, यहाँ पर फिर अपना ठाकुर जी को फिर एक एक घंटा हरिनाम करते हैं, उसके बाद में फिर कीर्तन में फिर हरि कथा में बैठ गए, फिर कितना 8:30 बजे 9 बजे। तो ये सवेरे का जो साधन है ना, इतने स्ट्रांग साधन है, जैसे घड़ी में चार्ज दे देते हैं ना, पूरा दिन भर ये काम करता है, सारा दिन ये काम करता है चार्ज। बाहर जाओ एक दिन दो दिन उठोगे, उसके बाद में हो गया उठना है, इतना आसानी नहीं। हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, हम भी प्रचार करने के लिए जाते हैं, हाँ तो कभी हमारे प्रचार में लेट होता है, 11-12 बज जाते हैं, सोते सोते हम लोग भी क्या करते, लेकिन आश्रम में रहने पर जितने सुजोग है, आश्रम में जैसे आसानी से उठ करके कीर्तन भजन में जो एक जो ये है ना, ये कहीं होना पूरा कठिन है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे ये गौरी मठ नहीं, राधा रानी की ये कुंज महल है, स्वयं प्रभुपाद ने गोलोक वृंदावन से राधा रानी की कुंज महल उन्होंने यहाँ पर उतार दिया, जहाँ जो कुछ हो रहा है गोलोक वृंदावन में, जैसे सखी मंजरिया सवेरे उठ करके स्नान करके तिलक करके राधा कृष्ण की आरती करते हैं, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण, जो वही चीज को उन्होंने भक्ति प्रकट के सब स्वामी ने वही चीज को उन्होंने पूरा कीर्तन रूप उतारा। इसलिए ये गौड़ी मठ नहीं राधा रानी की, ये कुंजा महल है, कुंजा महल है। इसलिए यहाँ जो साधन है ना, इसलिए किसी तरह से एक जीवन को वैष्णव का गाली गलौज खा करके किसी तरह से चरण में हमारे गुरुदेव कहते, एक जीवन अगर यहाँ बीत गई तुम्हारी, एक जीवन अगर बीत गया ना, बहुत बड़ा कष्टांग साधन हो गया तुम्हें, बहुत बड़ी के संस्कार पड़ गए, यही संस्कार ही दूसरे जीवन में पूरा के पूरा ये संस्कार तुम्हारे साथ में अगले जीवन में जाएगा, ये संस्कार कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते तो किसी तरह से एक जीवन बिता दो, बस उससे कल्याण हो जाएगा। और जो भक्ति है कभी ये घट करके प्रकट नहीं होता है, इसलिए कहती ना दिन दिन बरत सवायो पायो भी मैंने राम रतन गुरुदेव बड़े दिन ठाकुर जी बड़े दिनों में आए, फिर उन्होंने ठाकुर जी को एकदम उनका चरणों का आपका आश्वास, उन्होंने अपना चरण को उन्होंने धोए, ठाकुर को बैठाए और उन्होंने बेर पहले खा रही थी फिर ठाकुर को खिला रही थी, कहते ना बहुविध स्वाद बताई सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रेम सदाई, भगवान झूठा भेद सबरी कताई, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम। ठाकुर जी बोले सबरी तेरी बेर में जो स्वाद आया वैकुंठ में, हमें इतना स्वाद नहीं आता है जो महिषिया हमें जो सेवा करती है। इसलिए फिर उन्होंने ठाकुर जी उनको लास्ट में उन्होंने नवविद्या भक्ति की उन्होंने शिक्षा प्रदान की है, नवविद्या भक्ति की शिक्षा दे करके फिर गई कहाँ पर उन्होंने गई, वो जो ब्राह्मण के पास में गई, फिर ब्राह्मण को बोले तुमको क्या चाहिए, देखो अगर गुरु से विमुख हो गए ना भक्ति खत्म, जब गुरु से विमुख हो गए भक्ति खत्म हो जाती है। वहां पर गए तो गुरु जी बोले बर्मा को इनको तो नव विद्या भक्ति की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने बोले गुरु जी ये जो एक जो आप ये तो सर्वर है ना उसमें कीड़े पड़ेंगे, ये पानी गंदा है उसको थोड़ा साफ हो जाएगा तो आप उसमें स्नान कर सकते व्यवहार कर सकते, बोले एक काम कर सबरी की जाओ सबरी की चना भी डला करके इसमें छोड़ दो आपने आप साफ हो जाए। गुरु भगवान जिस वजह से हमने आश्रम छोड़ी, गुरु जी कहते हैं सबरी की चना भी डलाने के लिए, लेकिन ठाकुर का आदेश है जाकर उन्होंने वो चरणा पर दला कर छोड़े तो पवित्र हो गया, और उसी पानी में क्या करते थे स्नान करते थे और उसको अपना व्यवहार में करते थे। इसलिए जो सवरी का जो संवाद है ये विशेष विशेष संवाद है भागवत में, ये सवरी कथा है। उनने प्रथम भक्ति संतन करी सेवा सेवा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग, उन्होंने जो नव विद्या का जो भक्ति की जो शिक्षा दी अद्भुत रूप में नव विद्या भक्ति की शिक्षा दी, होगा तो हम कोशिश करके कल इसको सुनने के लिए उन्होंने क्या नवविधि भक्ति की जिन्होंने शिक्षा प्रदान की। ठीक है बोले बच्चा गुरु गुरुवश कृपा सिंधु भाई वच पतिता नाम पावन हो वैष्णव नमो नमः हरे कृष्ण।